एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम लोग उसी व्यू को देखते हैं जहां पर शाओयान ने जैसे ही अपना ब्रेक थ्रू किया था, तो उसी के साथ ही शाओयान सीदा उसी जगह पर आ चुका होता है जहां पर हॉल ऑफ सोल्स ने मास्टर को कैद किया होता है। यहां पर आने के बाद शाओयान मास्टर को देखता है जिनको कि इन्होंने चेन्स में कैद किया होता है, मगर मास्टर की साइड पर मौजूद एनर्जी का बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि शाओयान भी उसके अंदर नहीं जा पाता और एनर्जी बैकड्रॉ की वजह से शाओयान सीधा वापस अपने कॉन्शियसनेस में आ जाता है, जिसके साथ ही शाओयान आते ही कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हॉल ऑफ सोल्स में काफी ज्यादा स्ट्रांग मास्टर्स मौजूद हैं और अभी अभी जो सोल अटैक मैंने फील किया है वो सोल अटैक प्रोटेक्टर वू की स्ट्रांग एनर्जी से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। मगर अभी के लिए अच्छी बात तो ये है कि मास्टर जिंदा है और मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मास्टर के पास पहुंचना होगा और मास्टर और अपने फादर दोनों को सेव करना होगा, जिसके साथ ही शाओयान अपने रूम से बाहर आता है और आकर जियान के ब्रेक थ्रू प्रोसेस को देखता है और जियान अभी भी अपने एग में अपना ब्रेक थ्रू कर रही होती है, मगर साइलिन यहाँ पर मौजूद नहीं होती, जिससे कि शाओयान देखकर हैरान तो होता है, मगर वहीं पर साइलिन शाओयान के लिए एक मैसेज को छोड़कर गई होती है, जिसे कि शाओयान जैसे ही रीड करता है तो उसी के साथ ही शाओयान को इस बात का पता चल जाता है कि स्नेक क्लैन मसले में है, मगर उसी के साथ ही शाओयान कहता है साइलिन ने अपने मैसेज में ये लिखा हुआ है कि जैसे ही इशू खत्म होगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि साइलिन जिस काम के लिए भी यहाँ से गई थी वो काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और स्नेक क्लैन अभी भी खतरे में है, और उसी के साथ साथ जबकि मैं भी दो हुआंग लेवल पर पहुंच चुका हुआ हूं, तो मैं अपनी सेकंड गॉड सील टेक्निक सी फ्लिपिंग सील को प्रैक्टिस कर सकता हूं, जिसके साथ ही शाओयान यहां पर बैठकर ही अपनी न्यू टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, और उसी के साथ जैसे ही शाओयान का कॉन्शियसनेस वापस गॉड सील के अंदर आता है तो यहां पर शाओयान को दोबारा से काफी ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी का सामना करना पड़ता है, और उसी के साथ जैसे ही शाओयान इस मूव को प्रैक्टिस कर रहा होता है तो ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा सा हाथ बन जाता है, जिसके साथ ही शाओयान इस मूव को साइलिन के बैरियर पर यूज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा आसानी से क्रश हो जाता है, मगर साइलिन का बैरियर भी वापस रीजनरेट हो जाता है, मगर उसी के साथ ही जियान का ब्रेक थ्रू कम्प्लीट होता है और जियान की हमें एक न्यू फॉर्म देखने को मिलती है जो कि होती तो काफी ज्यादा सेक्सी सी फॉर्म है, जिसे देखकर शाओयान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जियान भी यहां पर इस मौके का फायदा उठाते हुए शाओयान को तंग करने लगती है, मगर उसी के साथ जैसे ही शाओयान उसे कपड़े पहनने को देता है तो कुछ ही देर के बाद ग्रास के इफेक्ट की वजह से जियान वापस अपनी चाइल्ड फॉर्म में आ जाती है, जिसके साथ ही शाओयान उसे यहाँ से जाने का कहता है, और जबकि जियान और शाओयान दोनों ही अपना ब्रेक थ्रू कर चुके होते हैं तो उसी की वजह से ही जियान और शाओयान दोनों ही यहाँ से निकल पड़ते हैं, मगर वहीं पर जैसे ही शाओयान और जियान दोनों ही एम्पायर में एंटर होते हैं तो जियामा एम्पायर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसे देखकर शाओयान और जियान दोनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं, और जैसे ही शाओयान और जियान वापस एम्पायर में एंटर होते हैं तो कागान और ही फैमिली के लोग सारे ही एक पॉइजन मास्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं जो कि इन सब को काफी ज्यादा सप्रेस कर रहा होता है, और उसी के साथ साथ इन सब को यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी लॉसेस हो चुके होते हैं क्योंकि इनके ज्यादातर लोग तो यहीं पर मर रहे होते हैं और जो बचे होते हैं वो भी इस पॉइजन का सामना नहीं कर सकते, जिसके साथ ही ये लोग सिटी गेट को ओपन करने का फैसला करते हैं और जैसे ही चिंगशेन सिटी के गेट ओपन होते हैं तो उसी के साथ ही ये पॉइजन मास्टर दोबारा से अपने पॉइजन का यूज करते हुए इन सब को काफी ज्यादा डैमेज देने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग नियरली डेथ के पास पहुंच चुके होते हैं, जिसके साथ ही चियान इसके साथ फाइट बैक करने की कोशिश तो करता है मगर पॉइजन मास्टर इसे बहुत ही ज्यादा आसानी से इंश्योर कर देता है और ही चियान इसके मुकाबले में बिल्कुल वीक सा लग रहा होता है, बट जैसे ही पॉइजन मास्टर इन सब को किल करने लगता है उसी के साथ ही यहाँ पर शाओयान अपनी फ्लेम का यूज करते हुए इन सब को बचा लेता है, जिसे देखते ही पॉइजन मास्टर यहाँ से भागने तो लगता है मगर शाओयान सिर्फ सिंगल मूव का यूज करते हुए इस पॉइजन मास्टर को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी के साथ ही कागांग से पूछता है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर कागांग काफी ज्यादा शॉक होता है, जिसके साथ ही शाओयान उसे बताता है कि मैं काफी देर से बैकडोर प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ था जिसकी वजह से मुझे एम्पायर की हालत का बिल्कुल भी नहीं पता, जिस पर कागांग उसे बताता है पॉइजन क्लैन के लोग वॉर के दौरान हमारे किंगडम में एंटर हुए थे और उन्होंने इसी तरह के क्राइम करना स्टार्ट कर दिए थे, वो हमारे किंगडम के डिफरेंट सिटीज और विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो सुनते ही शाओयान वॉर का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है, जिसके साथ ही उसे पता चलता है कि पॉइजन क्लैन जिनयान क्लैन मुलान वैली इन सब ने मिलकर हमारे किंगडम में वॉर स्टार्ट की हुई है और हमारे किंगडम को इस वॉर की वजह से काफी ज्यादा हैवी लॉसेस हो रहे हैं, और अभी के लिए हमें इस बात का पता चला है कि तीनों क्लैन की फोर्सेस एक साथ मिलकर ब्लैक माउंटेन फोर्ट को एंटर कर रही हैं,
जो सुनते शाओयान को इस बात का पता चल जाता है कि किंगडम काफी बड़े खतरे में है, जिसकी वजह से शाओयान इन दोनों को गुड बाय करता हुआ यहाँ से निकल पड़ता है। जिसके साथ ही हम आते हैं स्नेक क्लैन के व्यू पर, जहाँ पर जिनयान क्लैन के लोग यूमेई पर अटैक कर रहे होते हैं और ये दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा आसानी से यूमेई को काफी ज्यादा हैवी इंजोर कर देते हैं और यूमेई इन दोनों से अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग रही होती है। मगर जैसे ही ये लोग यूमेई को यहाँ पर कम्प्लीटली किल करने लगते हैं तो उसी के साथ ही शाओयान यहाँ पर आ जाता है और आते ही यूमेई को बचा लेता है। मगर वहीं पर ये दोनों लोग शाओयान को इस इशू से बाहर रहने का कहते हैं और इन लोगों को इस बात का पता होता ही नहीं कि इन सब का मेन एनिमी तो यहाँ पर अभी अभी ही अपीयर हुआ है। बट जैसे ही शाओयान इन सब की बात नहीं मानता तो उसी के साथ ही ये लोग शाओयान के साथ भी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही ये लोग अपने अटैक्स को यूज कर लेते हैं और इनका कोई अटैक भी काम नहीं करता तो इसे देखते ही ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। मगर उनके भागने से पहले ही शाओयान उनकी अच्छी खासी धुलाई कर उन्हें वापस ले आता है, जहाँ पर वापस आने के बाद यूमेई शाओयान से उसका नाम पूछती है और शाओयान उसे बताता है कि क्या तुम्हें वो शाओयान नाम याद नहीं है जिसका पीछा तुमने थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक किया था और तुम मेरी जान के दुश्मन बनी हुई थी। जहाँ से यूमेई को ये याद आ जाता है कि ये इंसान शाओयान है। मगर शाओयान का नाम सुनते ही यूमेई उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे बताती है कि यान अलायंस का मास्टर होने के बाद भी तुम बहुत ही ज्यादा लेजी हो, इवन के हमारा किंगडम एक साल से एनिमीज का सामना कर रहा है मगर एक साल से तुम्हारा किसी को भी पता नहीं है। और अगर तो हमारी क्वीन ने अभी तक एनिमीज को होल्ड ना किया होता तो मुझे इस बात का डर है कि इस किंगडम ने कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होना था। जिसके साथ ही शाओयान उसे भी बताता है कि मैं बैंक डोर प्रैक्टिस कर रहा था मगर मुझे इस बात का पता चला है कि ब्लैक माउंटेन फोर्ट अटैक के अंडर है, तो क्या तुम मुझे वहाँ की सिचुएशन के बारे में गाइड कर सकती हो। जिसके साथ ही यूमेई उसे बताती है पॉइजन क्लैन मास्टर की पावर और उसकी एबिलिटीज हमारी क्वीन के बिल्कुल लेवल की थी और उसी के साथ साथ उसके पॉइजन की एबिलिटीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे वॉर को ज्वाइन करने के बाद भी हमारी हालत बदल जाएगी। जिनयान क्लैन का मास्टर लूतयान, उसकी सारी एबिलिटीज ही पॉइजन क्लैन के अंडर हैं और उसी के साथ साथ वो एक ट्रू दो हुआंग लेवल का मास्टर है। मुलान वैली के लोगों में तीन ऐसे दो हुआंग लेवल के मास्टर मौजूद हैं जो कि पीक लेवल मास्टर्स हैं और उसी के साथ साथ वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को मिलाकर भी एक दो हुआंग लेवल का सामना कर सकते हैं। हमारी क्वीन ने पॉइजन क्लैन के साथ काफी मर्तबा फाइट तो की है और दोनों पार्टीज को काफी ज्यादा हैवी लॉसेस भी हुए हैं, मगर जब के पॉइजन क्लैन के साथ जिनयान क्लैन और मुलान वैली के लोग उनका साथ दे रहे हैं तो उसकी वजह से ना तो क्वीन प्रैक्टिस करने के लिए जा रही थी और ना ही अच्छे से रेस्ट कर पा रही थी, जिसकी वजह से ब्लैक माउंटेन फोर्ट काफी ज्यादा खतरे में है। जो सुनते जियान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी सिस्टर साइलिन की जान भी खतरे में होती है, जिसकी वजह से शाओयान जियान और यूमेई तीनों ही ब्लैक माउंटेन फोर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर फाइनली कम्प्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।